पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम कानपुर शहर के अर्बन जंगल में मौजूद हैं। ये खास तरह के जंगल हैं जो शहर के बीचों बीच बनाए गए हैं। इस जंगल को मियावाकी जंगल की पद्धति पर बनाया गया है, जिसकी खोज जापान के अकीरा मियावाकी ने की थी। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने और ग्रीनरी बढ़ने के लिए मियावाकी पद्धति से पौधे लगाकर जंगल बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक जंगल कानपुर के विजयनगर में 2 हेक्टेयर जमीन में करीब 1,80,000 पौधे लगाकर तैयार किया गया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस जंगल का लोकार्पण किया था। इस जंगल में जामुन, नाशपाती, शहतूत, करौंदा, मेहंदी, तुलसी, अर्जुन, शीशम, गोल्ड मोहर, आम, बांस, पीपल, अशोक, अमरूद, नींबू, किन्नू जैसे पेड़ लगाए गए हैं। मियावाकी जंगल की खोज जापान के अकीरा मियावाकी ने की थी। मियावाकी की तकनीक के पीछे एक अनुभव था, जिसमें उन्होंने पाया कि जापान में सिर्फ 0.06% ही ऐसे पेड़ हैं जिन्हें कुदरती कहा जा सकता है। इसके अलावा अलग से उगाए गए जंगल में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हवा की मिट्टी और वातावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। इसी आधार पर बनी मियावाकी तकनीक है। इन जंगलों को विशेष तरीके से उगाया जाता है ताकि इन्हें लंबे समय तक हरा भरा रखा जा सके। मियावाकी जंगल की खासियत है कि ये कम समय में अधिक हरियाली फैलाते हैं और इनसे निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होती है। मियावाकी जंगल की तकनीक से केवल 2-3 सालों में ही एक घना जंगल बनाया जा सकता है, जबकि सामान्य तौर पर एक घना जंगल तैयार करने में 20-30 साल का समय लगता है। मियावाकी पद्धति से बने जंगल में बहुत कम दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। इससे पौधे सूर्य की रोशनी पाकर ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। इसमें 3 प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग होती है। इसमें एक पेड़ ऊंचाई वाला, दूसरा कम ऊंचाई वाला और तीसरा घनी छायादार पौधा चुना जाता है। मियावाकी जंगल के लिए जरूरी है कि जिस जमीन पर पौधे लगाए जा रहे हैं वहाँ के वातावरण के अनुकूल ही पौधे लगाए जाएं, जिससे ये जल्दी हरे भरे हो जाएंगे। जितनी कम जगह होगी उतने ही ज्यादा पेड़ उगेंगे और उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे।